क्योंकि आजकल साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, तो मैं डिश वॉशिंग जो है ज्यादा फ्रीक्वेंटली कर रही हूँ। हम दो ही लोग हैं, फिर भी इतना बड़ा डिश वॉशर, जल्दी जल्दी भरती है डिश वॉशर। देखने में कुछ ऐसा होता है, और इसमें अलग अलग बटन्स हैं हर चीज़ के लिए, किस टाइप का आपको साइकिल चाहिए। जैसे सेंसर वॉशिंग होता है हैवी और नॉर्मल और इकोनॉमिकल। ये इको है, नॉर्मल है, हैवी है, और इसमें सेंसर का मतलब होता है अपने आप डिसाइड करेगा। तो वन आवर वॉश, इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं, हाई टेम्परेचर वॉश, सैनी रिंस, अगर सिर्फ उसको सैनिटाइज करने के लिए सिर्फ धोना ही है तो वो है, हैवी ड्राइंग, आवर डिले मतलब उसको डिले करना हो, होल्ड फॉर 3 सेकेंड्स में, फिर स्टार्ट बटन है, अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कैंसिल है। तो यहाँ पे ये बताता है कि वॉशिंग हो रही है, ड्राइंग हो रही है, क्लीन हो गया है, सैनिटाइज हो गया है। तो ऊपर वाले खाने में जैसे आप देख रहे हैं मैंने कुछ भी भर दिया हुआ है, क्योंकि आजकल साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, तो मैं डिश वॉशिंग जो है लाइक अभी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर रही हूँ। हम दो ही लोग हैं, फिर भी इतना बड़ा डिश वॉशर, जल्दी जल्दी भरती रहती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं यहाँ पे कनाडा में, कि हम छोटी फैमिली हैं तो इतना पानी लगेगा, इतना सोप लगेगा, बचत कर लो। लेकिन ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है इतने सारे बर्तन साफ करने में। तो अभी मैंने ये देखो कितने सारे बर्तन हैं इसमें, ऊपर वाले में डाल दी, इसका जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि एक चीज़ और देखना कि आपके बर्तन जो है डिश वॉशर सेफ होने चाहिए। बर्तनों पे आजकल लिखा ही आता है, प्लास्टिक के भी, टपरवेयर के भी, जो भी, सब मोस्टली डिश वॉशर सेफ होते हैं। तो ऐसे ही नहीं कुछ भी डाल देना, तो देख के डालना है कि डिश वॉशर सेफ है कि नहीं, और उसको ऊपर वाले में डालना है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब एकदम नीचे से आता है पानी का प्रेशर, तो वहाँ से सीधा डायरेक्टली इसी पे नहीं लगना चाहिए प्लास्टिक के बर्तनों पे। तो चलिए अब नीचे का कंपार्टमेंट दिखाते हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ। दूसरा खोल, इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने बड़े वाले पॉट्स पैंस भी डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे बड़े बड़े बर्तन हैं, ग्लास के हैं, स्टील के हैं, और इधर मेरा मिक्सर ग्राइंडर लाइक मेरे ब्लेंडर का जो ऊपर का जार है वो भी डिश वॉशर सेफ है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। ऊपर इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है इसलिए इसको ऊपर नहीं रख सकते थे। चलिए इसको अब जल्दी से सोप डाल देती हूँ। इसमें होते हैं चम्मच वगैरह, पर्चियाँ वगैरह इसमें डाल सकते हैं, और काफ़ी कुछ सामान डालना होगा मैंने, और ये ऐसे इस तरह से खुल भी जाते हैं, जैसे मैंने बॉटल्स वगैरह के ढक्कन डालने हो तो इसके अंदर नीचे डाल सकते हैं, ऊपर से स्पून्स। तो कर दिया बंद अच्छे से, और अभी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, प्रेस द स्टार्ट बटन, इसमें ऑलरेडी इको मोड चुना है। तो मैं इसको हाई टेम्परेचर वॉश नहीं करूँगी क्योंकि बर्तन मैंने ऑलरेडी रिंस करके डाले हैं। तो आई प्रेस द स्टार्ट बटन अगेन, तो इट्स वॉशिंग, अभी पानी लेने लगा है, नॉर्मल वॉश है, आवाज़ आना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहे वॉशिंग, अभी अपने आप चलता रहेगा, एक डेढ़ घंटे का साइकिल है ये पूरा, पहले इसको रिंस करेगा, फिर वॉश करेगा, फिर ड्राई करेगा, जब खुलेगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अबाउट 2 आवर्स लग गए, इट सेज क्लीन, निकालते हैं बर्तन, हो चुका है, इट सेज क्लीन। मशीन को गर्मा गर्म बर्तन चमकते हुए, अब मैं इनको निकाल लूंगी, इट्स स्टिल हॉट, पानी एकदम इसने सुखा दिया सब कुछ, पानी वानी हमें बर्तन पूरे सूखे हैं, थोड़ा बहुत पानी की है तो पता नहीं, तो दैट्स इट।
कि ये था पूरा खेल। अरे मेरा कर रही हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।